अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी एसएसटी की टीचर मिस आसिया अमान जी। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सारा, ये रिव्यू में देती हूं हर लेक्चर से पहले कि ये हम सब करते आए हैं, ठीक है, वन बाई वन, ओके जी। तो जनाब, आज हम करेंगे अपनी 6th फिल इन द ब्लैंक्स। द रिवर गैंगेस enters the Bay of Bengal through a huge dash। कह रहे हैं जो दरियाए गंगा है वो बे ऑफ बंगाल में एक बड़े डैश के ज़रिए इंटर होता है। किसके ज़रिए? डेल्टा के ज़रिए। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक जो बड़ा दरिया होता है वो जब किसी दूसरे हिस्से में या दूसरे दरिया में मिल रहा होता है तो उससे पहले वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में यानी कि डिवाइड हो जाता है, कुछ झीलों में डिवाइड हो जाता है, कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, पतली पतली वी शेप में होती हैं, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के लिखवाऊंगी भी, या आपके बुक में है। अब कह रहे हैं द डेकन इज अ डैश। डेकन क्या है? एक प्लेटियो है, ठीक है। अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। इन फैक्ट ओनली अबाउट डैश ऑफ पाकिस्तान इज सुटेबल फॉर फार्मिंग। कहने की सिर्फ इतना एक हिस्सा है पाकिस्तान का इतना जो काश्तकारी के लिए मौजू है। एंड मोस्ट ऑफ डेट नीड्स डैश। और ज़्यादातर हिस्सा उसको ज़रूरत है किसकी? डैश की। अब इस डैश में क्या आएगा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है वो फार्मिंग के लिए सूटेबल है और उसका पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा उसको ज़रूरत होती है इरीगेशन की, यानी कि वो आपाशी पे चलता है, ठीक है। आपाशी के जो सिस्टम हैं उनके ज़रिए फसलों की आपाशी की जाती है और फिर इस तरीके से वहाँ पे काश्तकारी की जाती है। 9th फिल इन द ब्लैंक से हमारे पास मच ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट्स ऑफ वेरी हाई डैश। कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो शुमाल और मगरब ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मुश्तमिल है किस पे? बहुत ऊंची ऊंची डैश पे। किस पे? पहाड़ियों पे, माउंटेंस पे, ठीक है। 10th फिल द ब्लैंक से द वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ फेयरली डैश विच गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। कह रहे हैं कि जो मगरबी इलाका है पाकिस्तान का अमूमी तौर पे वो क्या है? हाई लैंड है, बहुत ऊंचे है, ठीक है, ऊंचा है। विच गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। जी तो जनाब, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने ये 5 फिल द ब्लैंक्स जो आगे की हैं ये भी अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है, होमवर्क मुझे इनबॉक्स करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क टाइम पे करके मुझे इनबॉक्स कीजिएगा।